Hello everyone. So I hope ki you all are fine, doing great, and very sincerely preparing for examination. मुझे लगता है कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे होंगे, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जामिनेशन जुलाई के मंथ में हो सकता है. सो विद इन से एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एंड सो कुछ नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं. अगेन देर आर मल्टीपल अजम्पशंस कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैसा क्वेश्चन आ सकता है. सो आई ऑल्सो गॉट अ वंडरफुल आइडिया रिगार्डिंग जॉन रॉल्स. ओके, एज यू ऑल नो कि इन पॉलिटिकल साइंस जॉन रॉल्स इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंकर. ओके, बहुत महत्वपूर्ण विचारक है. सो उनके बारे में कुछ कुछ अतरंगी चीजें पूछी जा सकती है, बिकॉज अगेन उनके बारे में ऑलरेडी हर साल क्वेश्चन आते हैं. सो इस बार कुछ और टफ क्वेश्चन बन सकता है. अगेन स्पेशली इट्स अ नॉलेजेबल थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू. एक बहुत अच्छा टॉपिक है. सो एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस ओनली. ओके, जो उनका न्याय का सिद्धांत है उससे संबंधित विचार है, वर्ड है बेसिकली जो उन्होंने यूज किया है, चेन कनेक्शन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेन कनेक्शन दैट वॉज यूज बाय जॉन रॉल्स. ओके, सो जॉन रॉल्स ने बेसिकली दो वर्ड यूज किए. ओके, टू एक्सप्रेस सोसाइटी, कि व्हाट इज सोसाइटी. सो जॉन रॉल्स सेज कि सोसाइटी इज लाइक अ चेन कनेक्शन. ओके, सोसाइटी इज लाइक अ चेन विच इज कनेक्टिंग टू इच अदर. ओके, सो चेन जैसे देखा ना, जंजीर जैसे होती है. सिंपल भाषा में बोले जंजीर है. समाज क्या है? एक जंजीर है. और अगेन उसमें एक और उन्होंने वर्ड यूज किया, क्लोज निटेडनेस. ओके, क्लोज निटेडनेस मतलब होता है कि जब आपस में गुथा हुआ हो. जैसे चेन को अगर आप देखते हैं तो आपस में एक कड़ी दूसरी कड़ी में फंसी रहती है. ठीक है, दिस इज द सिस्टम ऑफ चेन. ओके, हर कड़ी एक दूसरे में फंसी होती है. तो क्लोजली, दे आर क्लोजली निटेड. ओके, सो ये हमने देखा चेन के बारे में. सो दैट्स व्हाट, वहां से एक एनालॉजी ली जॉन रॉल्स ने, एंड ही यूज द वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ लेट्स से क्लोज निटेडनेस और लेट्स से चेन कनेक्शन. ओके, now what is the meaning, what he was trying to say while he was using this terminology of chain connection, let's say close knittedness. okay, to uska matlab kya tha? basically aap sabhi ko matlab pata hai, bahut aasan hai. we have already seen the famous two principle. okay, the principle of justice that was given by John Rawls. okay, first of all the equality principle. okay, where everyone should be equal. okay, in the front of law everyone should be considered. okay, in the front of legal system, in the front of constitution everyone should be considered equal, and that is one of the principle of justice. okay, then second principle that was used by John Rawls was the principle of difference principle. okay, and difference principle was especially basically being introduced to remove the discrepancies, inequalities that are available within the society. that's the concept now. okay, so Rawls ne समानता का सिद्धांत दिया, वहां बोला कि सब समान है, राज्य के सामने सब समान है. ओके, उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल. ओके, जो उनका अंतर सिद्धांत है वो किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया इसमें समाज में जो भी बुराइयां हो, जो भी ऊंच नीच हो, ओके, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर, ठीक है, किसी भी प्रकार से. ओके, सो किसी भी प्रकार से कोई अगर पीछे रह गया है तो उसको किस कैसे उस कड़ी में सही से जोड़ा जा सके, उस समाज की कड़ी में उसको कैसे जोड़ा जा सके. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है. And that's what the concept of chain connection only. So what John Rawls was basically trying to say, so you can simply say ki the concept of chain connection is especially related to the idea of difference principle. Okay, to jo chain connection ka hai, fir close knittedness ka concept hai, it is actually related to the concept of difference principle. Okay, antar siddhant sambandhit hai. theek hai, to wo kya keh rahe hain कि समाज में प्रत्येक कड़ी, ओके, अगर आप चेन को देखें, ठीक है, एक चेन जो होती है, जंजीर होती है, तो जंजीर में हर कड़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट. अगर एक भी कड़ी कमजोर होगी तो जंजीर टूट जाएगी. ठीक है, हम सभी को पता है कि इफ एन ए सिंगल, ओके, सीक्वेंस, ओके, इन अ चेन इज वीक, देन इट्स गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन. ओके, सो वो चेन टूट जाएगी. सो दैट्स वाई रॉल सेज कि सिमिलरली सोसाइटी इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड टू इच अदर. ओके, सो यू हैव टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द लीस्ट एडवांटेजेस एज वेल एज द मोस्ट एडवांटेजेस पर्सन. ओके, वेन यू आर राइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी वन इन द सोसाइटी इज गेटिंग वट एवर दे नीड. ओके, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती चाहिए. ठीक है, तो कोई भी कड़ी कमजोर ना हो, बहुत सिंपल सी बात है. सो चेन कनेक्शन क्या है कि सब आपस में कनेक्टेड है. अगर सोसाइटी में आप सोचेंगे सिर्फ अमीरों का फायदा हो रहा है, गरीबों का नहीं हो रहा है, तो उससे चल जाएगा, नहीं चलने वाला. ओके, दैट सोसाइटी वोंट परसिस्ट, और दैट सोसाइटी वोंट वट बिकेम, इट कैन नॉट मेंटेन इट सेल्फ. ओके, वो सोसाइटी काम नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं वो अन्यायपूर्ण समाज बिगड़ जाएगा, वहां पर मल्टीपल समस्या आ जाएंगी. ओके, सो हर कड़ी आपस में जुड़ी हो, मतलब हर इंसान. ठीक है, सो अगेन चेन कनेक्शन इज वर्ड यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी. ओके, समाज को समझाने के लिए, समाज आपस में गुथा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए समाज के हर श्रेणी का व्यक्ति, ओके, एवरी सोशल क्लास, ओके, एवरी क्लास इन द सोसाइटी शुड हैव अ शुड बी लिविंग इन अ गुड कंडीशन, एंड दे शुड बी हैविंग द ड्यू रिसोर्सेज दैट दे नीड. ओके, फॉर लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ. ओके, तो वो संसाधनों का सभी के पास होना, डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना, सके समाज के हर वर्ग के पास राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, हर प्रकार की चीजें होनी चाहिए.
तो ये कॉन्सेप्ट है चेन कनेक्शन का स्पेशली विच वॉज गिवन बाय जॉन रॉल्स एंड अगेन ही ऑल्सो यूज द वर्ड क्लोज निटेडनेस दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज. सो बस उनका यही है कि जो आपका अंतर सिद्धांत है ठीक है डिफरेंस प्रिंसिपल जो है उसको यूज किस लिए करेंगे हम. इट इज यूज टू लेट्स से व्हाट वी कैन से कि रिफॉर्म ऑल द वीक पार्ट ऑफ द चेन और लेट्स से वीक पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो समाज के हर जो गरीब तबका है मजबूर तबका है जो परेशान तबका मार्जिनलाइज सेक्शन है उन सबको बेहतर बनाने के लिए हम डिफरेंस प्रिंसिपल का यूज करेंगे. उससे पूरा समाज क्या हो जाएगा एक सीमलेस चेन की तरह जो कि अपने आप में मजबूत होगा एंड अगेन देयर विल बी जस्टिस ओके इन दैट सोसाइटी. वो समाज एक न्यायपूर्ण समाज होगा जहां पे कोई कमजोर नहीं जहां कोई मजबूत नहीं सबके पास बराबर संसाधन है सबके पास विकास के एम्पल अपॉर्चुनिटीज है अवसर का सिद्धांत की बात जो करते हैं ठीक है. सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन कनेक्शन एंड क्लोज निटेडनेस दैट वॉज यूज बाय ओके जॉन रॉल्स ओके. चलिए थैंक यू. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा छोटा सा. सो क्विकली शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ये छोटा सा वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे वो भी इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जान सके. चलिए थैंक यू.